यह डर्बन का सबसे बड़ा रेस कोर्स है। यहां दुनिया के हर कोने से मिलेनियर्स आते हैं और कुछ मिलेनियर्स बनने का सपना लेकर आते हैं। इन सपनों को सच करने की रेस में इंसान जीता भी है, मरता भी है और मारता भी है। आज यहां सीजन की सबसे बड़ी रेस होने वाली है, डर्बन कप। ये रणवीर सिंह है, यहां रणवीर सिंह के भी घोड़े दौड़ते हैं। रेस इसका बिजनेस है, इसका पैशन है, इसकी जिंदगी है। स्टैलियंस, ये रैंच हाउस रणवीर सिंह और उसके छोटे भाई राजीव सिंह का है। यहां अच्छी नस्ल के घोड़ों को ट्रेन किया जाता है, उनकी ब्रीडिंग की जाती है, बेचा जाता है और रेस में दौड़ाया भी जाता है। रेस के अलावा रणवीर का पैशन है आउटडोर स्पोर्ट्स। खास करके वो जिसमें मौत से आमना सामना है। Lives life on the edge. Monto Gibbs, रणवीर का खास जॉकी। रणवीर के घोड़ों की लगाम इसी के हाथ में होती है। कबीर आहूजा, रणवीर का सबसे बड़ा राइवल, एक बहुत बड़ा बुकी। रेस में इसके भी घोड़े दौड़ते हैं। रणवीर को रेस में बराबरी की टक्कर देने वाला अगर कोई है तो वो कबीर ही है। घोड़े तो रेस में अकेले ही दौड़ते हैं, लेकिन जिंदगी की रेस में इंसान को एक साथी की जरूरत होती है। सोनिया, एन अपकमिंग मॉडल, इसे तलाश है एक ऐसे इंसान की जो इसे दिल में बसा ले। अक्सर प्यार की शुरुआत होती है आंखों से और धीरे धीरे बढ़ती है मुलाकातों से। रणवीर और सोनिया एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं, सिर्फ प्रपोज करना बाकी है। रणवीर का छोटा भाई राजीव सिंह। लोग सुबह उठकर चाय पीते हैं। उठिए सर, सुबह हो गई, बियर। राजीव रात का हैंगओवर उतारने के लिए बियर पीता है। इसे अपने फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रणवीर अपने छोटे भाई को बहुत चाहता है, लेकिन राजीव चाहता है शराब को। सोफिया, रणवीर की सेक्रेटरी। सोफिया रणवीर को बहुत चाहती है। थैंक यू, आई हैड फॉरगॉटन। लेकिन रणवीर उसकी चाहत को उसकी एफिशिएंसी समझता है। रणवीर का घोड़ा व्हाइट लाइटनिंग आज की रेस का हॉट फेवरेट है। उसने उस पर बहुत पैसे लगाए हैं। आज उसके जीतने पर रणवीर के काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो
सी दैट? छोड़ूंगा नहीं साले को। थैंक यू ऑल वेरी मच। थैंक यू। आई होप यू वांट सम मनी। Bad luck, Ranveer. तुम हार गए. I'm sorry. Don't be. मैं अपनी हार को भी celebrate करता हूँ. अच्छा, शाम को पार्टी रखना तो मुझे invite जरूर करना. हंसता बहुत है साला. जो आदमी बहुत हंसता है वो रोता भी बहुत है. Here's the money. Thank you. Thank you. जा रहा है। जाने वाले को कौन रोक सकता है? मंगेशकर चल पैक अप. घर गोइंग, वाइफ कॉलिंग, निकलो. तुम लोग नहीं, एग्जिट फी लगेगा भाई लोग. मंटाल छुट्टा करो और खुद छुट्टा हो जाओ. क्या करेगा बेतू? मारा वो लोग और हैंगओवर जला अपने को हो रहा है. कब बस रहे है? साला उधर बार का वाट लग गया, इधर तुम लोग जोक मार रहे. अल्ताफ भाई, मैं बोल रहा हूं, ये नकली दारू का खबर बाहर फैला ना, बस मक्खी नहीं उड़ेगा अपने बार में. फिर बाहर लिखने का अल्ताफ भाई का तबेला. एक अच्छा लिंबू इधर. जी भाई. इधर आ. जी. कौन रे तू? भाई कुणाल. नाम तो एकदम डिसेंट है. सुन बे, इधर आ ना. जी. ये बगड़, जिधर से तू आया था ना, वापस उधर ही निकल जा. साला भाई बनेगा तू? शक्ल से तो टीवी सीरियल का एक्टर दिखता है. चिकना साला. तू भाई नहीं बन सकता है. क्यों भाई? तेरा शर्ट किधर है? अबे छपड़ी शर्ट नहीं है तो कॉलर ऐसा कैसा करेगा रे? भाई लोग का भी यूनिफॉर्म होता है, समझा?